समोसा। ये दूसरी डिश है? तीसरी डिश भी है। ये भी समोसा? मतलब अलग अलग डिश में एक ही आइटम? आइटम भले एक ही हो लेकिन टेस्ट अलग अलग होगा। एक समोसा मैंने बनाया, एक लीला ने बनाया और एक चारू ने बनाया है। मजा आ गया। वेरी गुड। अरे लेकिन ये अजीब इत्तफाक हुआ कैसे? नेचुरली कॉम्पिटिशन। इसमें आप भी? मैंने लीला से कहा कि चारूबाला चने की दाल के समोसे बनाने वाली है। इसने तुरंत राजा को ऑर्डर दे दिया कि चने की दाल कुकर में डाल कर चढ़ाओ। कम ऑन बा, व्हाट्स न्यू? ये तो 20 साल से मेरी कॉपी करती आ रही है। कॉपी मैं नहीं करती हूँ आपकी, बल्कि आप हमेशा मेरी कॉपी करती है चारूबाला बेन। बा, मैंने मीनाक्षी को बताया था। एक मिनट मीनाक्षी, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं चने के दाल के समोसे बनाने वाली हूँ। सुनिए सुनिए, तूने बताया चारूबाला बेन को? मैंने कुछ नहीं किया भाभी। अच्छा अच्छा यार, इसलिए तू खाना खाने के बाद सुबोध के रूम के बाहर टहल रही थी? मैं बातें सुनने के लिए थोड़ी रूम के बाहर टहल रही थी। देखा बा, देखा देखा देखा, मैंने देखा तभी तो मैंने भी बनाया। ओ, लेकिन अभी पता कैसे चलेगा कौन सा समोसा किसका है? अरे गौर से देख, तीनों ने अपने अपने समोसे पर अलग अलग पहचान छोड़ी है। जिस पर सी लिखा है वो चारूबाला का समोसा। मेरी हैंड राइटिंग में सी हा? मतलब समझ गया ना, सी 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 सी। हिंदुस्तानी समोसे पर इंग्लिश का सी, इसीलिए मैंने तो हिंदी का ल लिखा है, वो भी खाने के कलर से। पार्ला पीपल है ना? एक मिनट, लेकिन तो फिर ये वाला किसने बनाया है? नेचुरली ये बा का बनाया हुआ समोसा होगा ना गट्टू। लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि बा ने बनाया है? देख गट्टू, जिस समोसे पर सी लिखा है ना वो चारूबाला बेन ने बनाया है, जिस समोसे पर ल लिखा है वो लीला भाभी ने बनाया है, और जिस समोसे पर कुछ नहीं लिखा है वो किसने बनाया होगा? बा ने। अब तुम सब ये तीनों समोसे खाकर बताओ सबसे अच्छा किसका बना है। बा, मैं आपका इशारा समझ गया। आपने जैसे हिमल से पूछा था उसी तरह मुझे पूछना चाहती है ना, कि अगर मुझे बा और बीवी ये दोनों के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं किसे चुनूंगा? मैं बोलो। कट्टू पहले अपनी बीवी तो आने दे। ऐसे अरविंद तो सही समझा, समोसे के बहाने सिंबॉलिक तौर पर मैंने यही पूछा है। लेकिन तू पार्शियलिटी मत करना, खाकर बताना समोसा कौन सा अच्छा है। मैं बोलो? मुझे तो लीला भाभी का बनाया हुआ समोसा बेस्ट लगा। सच्ची? मतलब सुबह तू ये कहना चाहता है कि बा को समोसे बनाना नहीं आता? अरे जरा समझो, बा ने बेचारी ने रात रात भर जाग कर अध्याय नंबर 418 हम सबको यादें बताने की जरूरत नहीं है। आप समोसा खा के डिसाइड कीजिए ना। मारो के पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मीनाक्षी भाभी, आप तो कंपटीशन में है ही नहीं। अगर होती भी और मानो के पापा मेरा बनाया हुआ समोसा चुनते नहीं ना, तो भी मैं खुशी रहती। वाह 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 मीनाक्षी वाह, कितनी नेक है तू। सीखो लीला, ये मीनाक्षी से कुछ सीखो। आप सीखिए, आप कुछ सीखिए सुबोध भाई से, उन्हें मेरा समोसा सबसे बेस्ट लगा है। घूर क्या रहे हैं आप समोसे को? खाइए ना, खा के डिसाइड कीजिए बा या बीवी या बहन। बेबी एक काम करो ना, तुम ही क्यों डिसाइड नहीं करती? चारू वाला बेन का समोसा तो
समोसे की खुशबू तो खाइए ना, खाइए ना। शाहरुख वाला बैंड का समोसा? नहीं नहीं नहीं, वाह का समोसा तो ये भी मेरे पास और पैसे नहीं है। मेरे पास है ना, ये ले, ये दे। चारूवाला बहन, आपके समोसे को मिलते हैं 70 मार्क्स। वाह, आपके समोसे को मिलते हैं 80 मार्क्स और लीला भाभी आपको मिलते हैं 100 मार्क्स। थैंक यू बेबी बहन। तुमने मुझसे पैसे लिए और क्या? अभी तो आपने कहा है पैसे आपके नहीं है। चल अरविंद, अब जल्दी समोसे खाकर बता। हाँ 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 बा। तो ये मेरी बा का बनाया हुआ समोसा है, ये लीला का बनाया हुआ है और ये चारू बाला का बनाया हुआ है। जो कंपटीशन से बाहर है। लीला भाभी, चीटिंग वाला समोसा चलेगा? सुशा खाइए ना। हाँ हाँ हाँ। डायरी में क्या लिख रहे हैं आप? भाई, मैंने नाम देखकर समोसे नहीं खाए हैं, इसलिए मैं जानता नहीं कि कौन सा समोसा किसने बनाया है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी साइड वाला समोसा बेस्ट है। मैंने बनाया। एक मिनट, ये समोसा बा का बनाया हुआ है। नहीं, मैंने प्लेट घुमा दी थी। And the winner is Leela Bhabhi! ये लीजिए, नीचे रख। मफदल, तो फिर से बैंक जाना कब शुरू कर रहे हैं? देखता हूँ। अब तो तुम दोनों का माने वाले हो गया। देख, अब तो तुझे घर में पैसे देने ही पड़ेंगे, अब ये तेरा फर्ज बनता है, तू ना नहीं कर सकता। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मेरा मुंह बोला भाई है। दादा, दादा ऐशो, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में नदी के किनारे। मीनाक्षी, 700-800 किलोमीटर यहाँ इस तरफ आ जाओ, मुंबई में। अच्छा। हाँ भाई साहब, आप कौन? हेलो, मेरा नाम शिशिर है और मैं ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की ओर से आया हूँ। ओ भाई साहब, भाई साहब, हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, प्लीज। हमारे मोटा भाई इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करते थे और उन्होंने हमारी पॉलिसी ली हुई। हाँ, पर कोई पॉलिसी ICICI प्रूडेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस जैसी नहीं होगी। मेरी बात हुई आपके मोटा भाई से। अब देखिए, हर कोई बीमार तो पड़ता ही है, हाई बीपी, डायबिटीज आज हर घर में घर कर चुका है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो बहुत खर्चे वाली बात होती है, तब घर वाले या तो कहीं बाहर से पैसा लाते हैं या तो फिर अपने उन सेविंग में से पैसा निकालते हैं जो उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए जमा की होती है। अब सेविंग में से पैसा निकालेंगे तो फ्यूचर में तकलीफ तो होगी। ICICI प्रोडेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस आप पर वो नौबत नहीं आने देती, आपका सारा रिस्क वो कवर करती। आज 85% ऑफ द फैमिलीज या तो इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है या तो सही ढंग से कवर्ड नहीं है, पर ICICI प्रोडेंशियल आपकी फैमिली को सबसे बेहतर तरीके से सुरक्षित करता है। ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। हाँ, अरे पूरे परिवार का भविष्य एकदम सेफ। मफदलाल, मैं तो कहता हूँ कि तू एक बार घर में पैसे नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन ये ICICI प्रूडेंशियल की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही ले। प्रवीण भाई, मोटा भाई ने भी ये पॉलिसी ली है। अच्छा,
तो अपने परिवार का भविष्य 20 साल तक एकदम सेफ। मफतलाल अब तू घर में पैसे देना शुरू करा। चलिए चलिए आज एक प्रॉपर फाइनल रिहर्सल करते हैं, ठीक है? हाँ चलिए अरविंद भाई आप सब ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बड़ा भाई चप्पल। अरे हाँ हाँ आज तो कोई छीन के दिखा है, देखो। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज जरा सॉरी सॉरी आप शुरू करें ना। सिर्फ मैनेजर पर ध्यान रखिए कि वो अपना काम ठीक से करें। एक मिनट लाभशंकर जी देखिए एक फाइनल प्रॉपर रिहर्सल करनी है आज प्लीज। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अरविंद भाई से कोई मजाक मत कीजिएगा प्लीज। अरविंद भाई मैं आपसे भी कह देता हूं कि किसी के काम में कोई हस्तक्षेप मत कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हाँ दुनिया बड़ी जालिम है सावित्री, आज के जमाने में सिर्फ उसी के माथे पर तेल लगाया जाता है जिसके माथे पर पहले से तेल लगा। विनय भाई आपने सही कहा। एक मिनट उठो जरा, ये नेहा गलत बोली लाइन। अरविंद भाई मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आप किसी के भी काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं अपना सिर्फ अपना ही काम कर रहा हूँ, आपने क्या कहा था? स्क्रिप्ट को फॉलो करना मैनेजर का काम है। हाँ। मैं वही तो कर रहा हूँ। देखिए स्क्रिप्ट में नेहा का डायलॉग क्या है, आपने सही कहा विनय भाई। हाँ। जबकि इन्होंने बोला विनय भाई आपने सही कहा। मोटा भाई इतना चलता है? अरे क्या चलता है सुबोध, राइटर क्या बेवकूफ है जो उन्होंने विनय भाई बाद में लिखा है। नेहा तुम एक काम करो स्क्रिप्ट को फॉलो करो। आपने सही कहा विनय भाई। करेक्ट। पता नहीं इस देश में आम आदमी का क्या होगा। उनका कुछ नहीं हो सकता, इस देश में अगर जीना है तो आम आदमी बनकर नहीं बल्कि खास आदमी बनकर जीना होगा, इसीलिए। एक मिनट क्या हुआ मोटा भाई? लगता है नेहा घर से स्क्रिप्ट ठीक तरह पढ़कर नहीं आई। विनय के डायलॉग के खत्म हो जाने के बाद इन्हें सर झटकना है जबकि इन्होंने पहले झटक दिया। उसमें क्या हो गया मोटा भाई, थोड़ा इधर उधर तो चलता है ना। अरविंद भाई आप रहने दीजिए, रीडिंग हम रात को कर लेंगे। लेकिन रात को उत्कर्ष भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू, हम लोग अब गाने की रिहर्सल करवा लेते हैं। थैंक गॉड अब गाने में प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई चलिए। अरे श्याम भाई आइए गाने की रिहर्सल शुरू करिए। आज रुकिए ये सही नहीं है, ये गलत गा रही है। अरविंद भाई आप अपनी हद में रहिए। देखिए आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सेंसर बोर्ड के चीफ बनने की कोशिश मत कीजिए। आप हर छोटी बात में टांग अड़ा रहे हैं और मैं बर्दाश्त किए जा रहा हूं। आप ही की वजह से मैंने रिहर्सल पोस्टपोन कर दिए हैं, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उत्कर्ष अरे लेकिन बेटा इतना तेज बोलने की क्या जरूरत है? लाभशंकर जी आपने तो पूरी जिंदगी अपने नाटकों में गुजार दी, आप ही बताइए वर्ड टू वर्ड कहीं फॉलो होता है क्या? ये गलत है वो गलत है, भाई आपको काम करना है तो कीजिए वरना। नहीं 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 मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे 3 पैसे के नाटक वाटक में काम करने का, ये तो मेरी बहन ने मुझे कसम दी इसलिए मैं आया यहाँ। हमारा नाटक बिगाड़ने नाटक ये लोग बिगाड़ रहे हैं। उत्कर्ष भाई जिन्हें अपनी संस्कृति का अपना लोकगीत गाना नहीं आता ठीक तरह से। अरे आपके इन्हें गाना नहीं आता? इन्हें नहीं आता? अरे मैं कहता हूँ आपको नहीं आता। अरे इनको नहीं आता उत्कर्ष भाई और आपको भी नहीं आता, और अगर आपको आता तो आपको पता चलता कि ये कहाँ और क्या गलत गा रही है। अच्छा आपको आता है गाना? हाँ हाँ बिल्कुल आता है मुझे। हाँ तो सुनाइए ना। हाँ तो सुनिए सुनिए, उठ क्यों गए, बैठिए ना सुनने के लिए। हाँ सुनाइए चल। एक मिनट मोटा भाई तू भी बैठ जा, तू भी सुन बैठ जा। भाई ये क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं बज रही है और आप सिर्फ वोट हिला रहे हो। ये आपके नाटक वाले करते होंगे उत्कर्ष भाई, मैं तो सचमुच गा रहा था। अरविंद भाई कमाल कर दिया आपने। अरे इस बोध क्या बात है, इस जीनियस यार, इस रियली जीनियस। अरविंद भाई वो एक और कोई गाना सुनाइए ना प्लीज। मोटा भाई वो लोरी सुनाइए ना जो आप हम सबको बचपन में सुनाया करते थे। हाँ धीरे धीरे आ जा निंदिया प्लीज प्लीज प्लीज। अरविंद भाई बैठिए ना आइए। हाँ जी हाँ शुरू आप सुर दीजिए। चल अरविंद भाई आपने कहाँ से सीखा गाना? मेरी माँ ने बचपन में मुझे ये लोरी सिखाई।
बचपन में जब इन बच्चों को रात को भूख के मारे नींद नहीं आती थी, खासकर गट्टू, वो ज्यादा व्याकुल हो जाता था भूख के मारे, तब माँ कहती थी कि अगर पेट खाली हो तो मन भर लिया करो, भूख की याद नहीं आएगी। और मैं इन बच्चों को ये लोरी सुनाता और सारे बच्चे शांति से सो जाते थे। क्या क्या बात है अरविंद भाई, मैंने आपको डांटा उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से अनजाने में आपका टैलेंट बाहर आया। अरविंद भाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ भाई, अब तो आपको हमेशा गाना होगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।